हम अनुरोध करेंगे कि आप सभी प्रदर्शनकारी काम पर वापस लौट आए, दुर्गा पूजा के लिए आगे आए। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सीबीआई के हाथ में सब कुछ है। किसने कहा है ये आपको बताएंगे, पर आपको ये बता दें कि आज एक महीना पूरा हो चुका है डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और मर्डर हुए। सवाल कई सारे हैं, जवाब सब खंगाल रहे हैं, पर जवाब देने वाला सामने नहीं आ रहा। आज महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुनवाई भी हुई है कोर्ट में। सहयोगी मेरे साथ प्रशांत भी जुड़े हुए हैं, हम इसी खास मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, आपको पूरी जानकारी भी देंगे। आज क्या कोर्ट में रहा, किन मुद्दों पर सुनवाई हुई? प्रशांत देखिए रितु, दरअसल आज 9 तारीख को कोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले पर विशेष निर्देश दिए गए हैं, खासतौर से डॉक्टरों के मद्देनज़र निर्देश हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं, जो अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं, उस नज़रिए से ये निर्देश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, जो चीफ जस्टिस की बेंच है, कि डॉक्टर मंगलवार की शाम तक वापस लौट आएँ, अपने काम पर लौट आएँ। लाइन को समझिएगा, काम पर वापस लौट आए, नहीं तो राज्य सरकारों को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकेगा। ये केवल एक राज्य के लिए नहीं, जहां जहां प्रदर्शन हो रहे हैं डॉक्टरों के, वहां के लिए ये निर्देश ऋतु दिए गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, जो सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, उससे बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई हैं। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई, जो एक तो पहला कि जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था तो FIR दर्ज होने में काफ़ी देरी हुई थी और उसमें कई चीज़ें गड़बड़ नज़र आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट, अगर हम कहें तो 17 सितंबर तक पेश करने के आदेश दिए हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यही है कि अब एक लाइन में अगर समझना होगा कि डॉक्टरों को कि अब प्रदर्शन उन्हें छोड़ना होगा, क्योंकि मामला सीबीआई जांच कर रही है। अगर आप प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे तो फिर मरीजों का क्या होगा? ऐसे पूरे आंकड़े भी पेश किए गए थे कि कितनी एंजियोग्राफी नहीं हो पाई, कितने मरीजों को इलाज नहीं मिल पाया, जो एक पक्ष था वो ये सारी बातें रख रहा था। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात को लगातार बार बार रख भी रहा था कि भाई अब आपको लौटना होगा। दूसरी और कुछ और बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं कि भाई अगर मंगलवार शाम तक नहीं लौटते हैं डॉक्टर तो फिर दिक्कत है आपको। डॉक्टरों का पेशा मरीजों की सेवा करना है, आप अपने पेशे से दूर हो रहे हैं अगर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक बात है, ये आपका अधिकार है प्रदर्शन करना, लेकिन आपको अपने पेशे से फिर जुड़ना होगा। दूसरा एक CISF का मुद्दा था। CISF दरअसल जो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं पश्चिम बंगाल में, खासतौर से जो कोलकाता का अस्पताल है वहाँ, उस पर ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो CISF के जवान हैं उन्हें पर्याप्त न केवल खाने पीने की उनकी व्यवस्था, उनके रहने करने की व्यवस्था भी राज्य सरकार को करनी चाहिए। दरअसल इस पर एक सवाल उठ रहे थे कि जो बंगाल सरकार है वो CISF के जवानों को पर्याप्त सुविधा नहीं दे रही है रुकने की, करने की, इस वजह से ये सवाल उठे थे। अब ये मानकर चलिए कि CBI ने भी एक कड़ा स्टैंड यहाँ पर लेना शुरू कर दिया है। अभी तक डॉक्टरों के वो साथ खड़ी नजर आ रही थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब ये स्टैंड क्लियर है सुप्रीम कोर्ट का कि आपको काम पर लौटना होगा और मरीजों को इलाज आपको देना होगा। केवल बंगाल का मामला नहीं है, देश के कई राज्यों में प्रदर्शन चल रहे हैं ऋतु, और इस नज़रिए से ये आज वाकई आज का बहुत जो ड्रेस्टिक चेंज है इस मामले में, कहें तो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कर दिया है। धरती का भगवान प्रशांत कहते हैं डॉक्टर्स को, और उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ये हम मानते हैं, उनकी मांगे जायज़ हैं, अपनी जगह पर हैं, पर धरती का भगवान कहा जाता है, पहली उनकी जिम्मेदारी ये है कि जो मरीज़ पहुँच रहे हैं, जो उनके भरोसे हैं, उनका वो इलाज कर सकें, उन्हें पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध करा सकें। तो ये महत्वपूर्ण फैसला ऐसे माना जा सकता है। पर प्रशांत, एक बात गौर ये आपने भी करी कि जिस तरह से आज प्रदेश की मुखिया, बंगाल की मुखिया ये कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा है, उसके लिए तैयारियों में जुट जाएं। दुर्गा पूजा की आप बात कर रही हैं, महिलाओं को दुर्गा का दर्जा दिया जाता है, देवी की तरह पूजा जाता है, क्या देवी को न्याय दिलाने के लिए जो आवाज़ें उठ रही हैं उस पर जवाब देने से आप बच रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी ने आज जो बात आपने दोहराई कही है वो वाकई बिल्कुल वो कह भी रही कि भाई अब दुर्गा पूजा का वक्त आ गया है, अब आप लौट आइए, प्रदर्शन छोड़ दीजिए, मामला सीबीआई जांच कर रही है। दरअसल जिस अंदाज में चारों तरफ से सियासी तौर पर ममता घिर गई थी, लगातार वो कोशिश कर रही हैं किसी ना किसी तरीके से उससे बाहर आए, दुर्गा पूजा के बहाने ही सही, दुर्गा पूजा के बहाने ही ये प्रदर्शन अगर रुक जाते हैं तो ममता बनर्जी को थोड़ी सी राहत मिलेगी, वो इतनी राहत ज़रूर चाह रही हैं इस अपील के ज़रिए। आपको याद होगा कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था वो खुद सड़कों पर उतरी थी, खुद उन्होंने मार्च किया था। और प्रशांत मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, आपने ये भी देखा था कि उन्होंने मार्च किया, प्रदर्शन किया, उन्हें
पूरी उम्मीद थी कि जो पार्टियां उनके साथ हैं, जिनके साथ वो हैं, वो भी उनका सपोर्ट करेंगे, पर आपने देखिए ये होना भी चाहिए कि अगर जो गलत है वो गलत आप कह सको, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। तो कांग्रेस ने भी और पार्टियों ने भी इस पर उंगली उठाई और सपोर्ट जो है प्रदर्शन में नहीं किया, आलोचना बहुत ज़्यादा हुई। बिल्कुल, ममता की लगातार आलोचना होती रही और इसलिए अब ये दूसरा, इसके बाद एक और स्टेप उठाया ममता ने, एंटी रेप बिल लाकर उसके जरिए उन्हें आशा थी कि हो सकता है कि अब जो गेंद है वो सामने वाले के पाले में पहुंच जाए। हालांकि वो एंटी रेप बिल जिसमें उन्होंने कहा कि 10 दिन में वो फांसी दे देंगे, फांसी वाला बिल लेके आ रही हैं 10 दिन में आरोपी को, लेकिन उसमें भाई 21 दिन में पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, 30 दिन का एक और अलग, ऐसे कुल मिलाकर 51 दिन का मामला ये हो गया था। इसके बाद क्या जो आरोपी, अगर आप उसे फांसी सुना भी देंगे जो सेशन कोर्ट में, तो क्या इसके बाद हाई कोर्ट में मामला नहीं जाएगा, फिर क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर दोषी को फांसी सुना दी इसके बाद मामला जाता है राष्ट्रपति के पास, दया याचिका लगाई जाती है और राष्ट्रपति के पास कोई मियाद नहीं है कि राष्ट्रपति कब उस पर फैसला लेंगे। तो ममता को अभी तक मामला ठंडा करने के लिए कहीं ना कहीं हथकंडा ही अपनाया गया कि सभी को शांत कर दिया जाए, बाकी मुद्दों से हटा दिया जाए, 10 दिन का समय दे दिया जाए कि ये बिल हम लेकर आए हैं, फांसी की सज़ा मिलेगी और अलग अलग प्रावधान रहेंगे। पर सिर्फ ऐसी बातें कर देने से कुछ नहीं होगा, जो प्रक्रिया में जितना समय लगना है वो तो लगेगा ही, बिना प्रक्रिया के आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, कैसे सज़ा मिलेगी। और आज जो हमने देखा दिन भर की सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, बड़ी बड़ी बातें जो हुई 3 मुद्दों पर, वो पूरी तरह से एक्सप्लेन प्रशांत ने किया। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने जो कहा है वो बहुत बड़ी बात है कि दुर्गा पूजा के लिए अब लौट आइए, प्रदर्शन बंद करिए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब सीबीआई के हाथ में है। हालांकि देखने वाली बात होगी, 17 सितंबर का दिन जो है महत्वपूर्ण होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, 17 सितंबर को एक बार फिर एक तो सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी, दूसरा ये होगा कि डॉक्टरों का रुख उससे पहले क्या होता है, क्योंकि निर्देश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने और यहीं से हमें लगता है कि शायद स्थिति बदलेगी, बदल जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी तक लगातार डॉक्टरों के साथ खड़ा नजर आ रहा था, डॉक्टरों की सुरक्षा की बात पर भी वो स्ट्रेस दे रहा था। दूसरा, खुद स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लिया था, अब अगर डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नहीं लौटते हैं तो समझिए कि कोई और बड़ा निर्देश भविष्य में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट 17 तारीख को सुनवाई करे, कुछ और निर्देश दे दे, लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन अब रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए कि शायद डॉक्टर्स जल्द अब अपने काम पर लौट आए। तो आप भी इंतज़ार करिए 17 तारीख का, हम भी करेंगे, एक एक चीज़ का आपको अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।